मैं इसलिए आई क्योंकि मुझे यहाँ की स्टोरी के बारे में जानना था, यहाँ पर आके लगता कैसे। कुछ सपनों में से एक सपना था जापान रशिया के बॉर्डर पे जाने का, एंड फाइनली वी आर हियर। एंड वेलकम फ्रॉम द फॉरेस्ट। ये जापान का माउंटेन हमें दिख रहा है। ओ यार, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत है आप लोग का नवी वीडियो में। हम इस सीरीज़ में भाई कुरिल आइलैंड एक्सप्लोर कर रहे हैं जो जापान और रशिया के बॉर्डर पे पड़ता है। तो ये बेल्ट ऑफ आइलैंड है। अरे यार, आज सूरज आया तो एक पहाड़ दिख रहा है जहाँ पे अभी भी बर्फ़ है, थोड़ा थोड़ा दूर है, बहुत कैमरा में नहीं दिखेगा लेकिन आँखों को दिख रहा है। तो एनीवेज, मैं क्या कह रही थी कि ये बेल्ट ऑफ आइलैंड है एंड उनमें से अभी हम एक आइलैंड है कुनाशिर, और आज अभी एक म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं। मैं यूजनो में भी एक म्यूज़ियम गई थी, यहाँ पे आज भी जा रही हूँ। तो ये लोग भी हैं मेरे साथ और ये सीन है सारे आज के फ़िलहाल। तो यार, सबसे पहले ये म्यूज़ियम में यहाँ एंटर हुए हैं हम। तो ये देखिए आप, ये कुनाशिर का मैप बना हुआ है और इधर ये गरम लेक हैं, हॉट लेक हैं, और यहाँ पे भी हैं, और ये वोल्केनो है, एक इधर भी है, और इधर वाले मैंने बनाया, एक इधर भी है द मैप। ये वाला जो आपको इसने दिखाया श्वेता ने, ये कुनाशिर का है ये वाला, और ये इतरूप है। इस बार ये बोल रहे कि भाई अगर आप इतरूप जाओगे तो वापस के लिए वो नहीं है, कोई फेरी नहीं है, तो वहीं पे ही रह जाओगे। तो ये सारा दिक्कत है। ये वाला डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, इसको ये लोग बोलते हैं चाचा वोल्केनो। एंड यहाँ पे देखिए, ये एक्टिव है, जल रहा है अभी भी अंदर से। अभी जाके देखने का इसको फ़ायदा नहीं है क्योंकि ऊपर से इन्होंने दिखा रखा है यहाँ पे कि ऊपर से बंद है, तो 100 साल बाद 50 साल बाद ये आग और उबलेगी, बबलेगी, एंड उसके बाद ये फटेगा और उसके बाद आग बाहर आएगी, लावा बनेगा। अभी आग अंदर है पहाड़ के। तो एंड इन सारी रेडिएशंस की वजह से ना, ये जो आग अंदर की है, ज़मीन तक एनर्जी जाती है। एंड इधर देखेंगे आप मैप में तो यहाँ से ये सारी रेडिएशन एनर्जी जा रही है गर्म, तो इसलिए ये सारी हॉट लेक यहाँ पर बन जाती हैं क्योंकि अर्थ से इन्हें गर्म एनर्जी मिल जाती है। तो ये सीन है सारे। और ये इनका फ्लोरा और फौना का मैप है इधर। भालू भी हैं यार यहाँ पे, इन्होंने हर जगह भालू का डायग्राम एग्जीबिशन कर रखा है। और ये बर्ड्स वगैरह हैं, ये वाला तो मैंने यूजनो में देखा था जानवर को। पे हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, स्केलेटन है। ये ऐसे बहुत अजीब लग रहा है, बट ये मच्छी का, शार्क का, रशियन में लिखा हुआ है यार, तो समझ नहीं आ रहा मेरे को भी, लेकिन देखने से पता चल रहा है। तो ये स्पेशल एक है हड्डी स्केलेटन वाली जगह वगैरह रखे हुए हैं इधर इन्होंने। एंड फिर इधर पिछले म्यूज़ियम की तरह ही डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है घर का, कि पुराने ज़माने के घर कैसे होते थे। आइनो ट्राइब के घर का डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली। एंड साखालीन में भी यही सारी चीज़ें बताई हुई थी। तो आइनो लोग यार यहाँ के ओरिजिनल लोग होते थे जो अब जापान में रहते हैं ऑफकोर्स। तो ये रहा कुछ पुरानी फोटोज़ इन्होंने लगा रखी हैं, स्केच करी हुई हैं, ये असली हैं। यार कितना मस्त होता था ना यहाँ का भी पुराना कल्चर, वाओ। ये देखिए, ये इनकी लड़ाई करने टाइम की ड्रेस होती थी, ये वाली, बहुत सुंदर जनाब। अब तो ये सब ख़त्म हो गया, ये फिर वही चीज़ें हैं जो हमने पिछले म्यूज़ियम में देखी थी।
एंड ये किसी ने एक पेंटिंग बना रखी है बहुत ही सुंदर। किसने बनाई है वो मुझे नहीं पता चल रहा क्योंकि नाम रशियन में लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे, लेकिन पेंटिंग बहुत सुंदर। और ये दिखाया है कि ये लोग मच्छी पकड़ते थे ट्राइबल्स यहाँ पे, तो ये मच्छी ऐसे टांगते थे, तो बहुत गजब पेंटिंग। और डिटेल में बता रखा है तो 1855 में यहाँ तक इत्रूप के पीछे वाले आइलैंड तक रशिया होता था और इतना जापान होता था, ठीक है, और यहाँ पे जापान रशिया मिक्स था। 1875 में जापान ने यहाँ तक कब्जा कर लिया, ठीक है। 1905 में जापान में साखालीन का भी आधा हिस्सा ले लिया, और इसके बाद थोड़े टाइम तक यहाँ तक पहुँच ही गए थे, ये दिखाया नहीं आई इसमें। और फिर 1945 में रशिया ने वापस सारा हिस्सा फिर से ले लिया था, तो अभी तक ऐसा ही चल रहा है। पता नहीं कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, लेकिन ये बना हुआ है, हिस्ट्री इनकी यहाँ पे ऐसे दिखा रखी है। और ये चीज़ें हैं भाई यहाँ पे। फिर इस तरफ देखिए रशिया का ओल्ड तरीके के घर यहाँ पे कैसे होते थे वो दिखाया हुआ है। तो ये इनका डाइनिंग एरिया पहले ऐसे होता था, एंड चाय ये लोग ना इसमें बनाते थे पहले। और ये सामने शीशा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। और ये इनकी मशीन वगैरह होती थी, इंडिया जैसी है तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और ऐसा घर होता था इनका पुराना, ये भी ठीक है, इतना पुराना भी नहीं है, स्टाइल ठीक ठाक है, बट कितना पुराना है, ज़्यादा ट्राइबल टाइम का नहीं है। आइनो ट्राइब है उनका सबसे ज़्यादा पुराना था यहाँ पे, उसके बाद जब ये रहने लग गए तो इनका ऐसे बनने लग, जब डेवलपमेंट शुरू होगी तो अब कुनाशिर ऐसा दिखता है। इन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी, ये पोर्ट बनाने शुरू कर दिए, ये सब बन गया। दो यहाँ पे देखो ये फ़ोटोज़ इस टाइम की हैं 2007 की। फिर इन्होंने थोड़ा थोड़ा टूरिज़्म शुरू करा यहाँ पे 2010 की। तो बहुत टाइम तक ये आइलैंड इवन टूरिज़्म के लिए भी बंद था, बिल्कुल लाइक बिल्कुल बंद था। अभी मेरे साथ आपने देखा एक लड़की है, वो मॉस्को से है, लेकिन उसको भी यहाँ पे आने के लिए अभी भी परमिशन लेनी पड़ी, वो रशियन है तब भी। तो जो रशियंस हैं वो भी अभी यहाँ पे परमिशन लेके आते हैं, सिर्फ साखालीन के लोग ऐसे हैं जिन्हें बिना परमिशन के आने को मिलता है, और होकाइडो के, सिर्फ होकाइडो एंड साखालीन दो ऐसे आइलैंड हैं जहाँ से बिना परमिशन के आप आ सकते हो, वरना दुनिया में हर एक को परमिशन चाहिए। एंड बहुत सारी कंट्रीज़ तो बैन है अभी तक। एंड टूरिज़्म भी आप खुद देख लीजिए यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट कब, बहुत लेट शुरू हुई, ऑलमोस्ट 1990 के बाद से, एंड धीरे धीरे 2000 में टूरिज़्म ओपन होना शुरू हुआ। अब धीरे धीरे परमिशन दे के आने दे रहे हैं, लेकिन अभी भी स्टिल अ लॉट फार टू गो टू एस्टेब्लिश द आइलैंड मोर, बट सम हाउ जैसा भी है सही है। तो यार मैं यहाँ पे म्यूज़ियम में हूँ, तो यहाँ की जो म्यूज़ियम हेड हैं जो यहाँ पे बहुत सालों से रह रहे हैं, स्टार्टिंग से जब से 1990 में जापान के लिए टूरिज़्म स्टार्ट हुआ था, तो उनसे मैंने डिटेल्स ली कि इंडियन के लिए कब स्टार्ट हुआ, एंड वो आप लोगों को बताएंगे। तो बस प्रिवेत, प्रिवेत, नेम वालेंटीना, दा एंड अबाउट परमिशन 2005, сказать, что она была с 2005 года. Как это сказать по-английски? Я по-английски просто не говорю. Да. Что с 2005 года первая представитель страны, великой страны Индии у нас в гостях на Кунашире. And इन्होंने बताया कि 2005 के बाद से परमिशन मिलने शुरू हुई, और अभी भी ये खुद बोल रहे हैं कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो अभी भी बैन है। तो अब हम म्यूजियम से बाहर आ गए हैं, तो कितना अच्छा लगा मुझे वो आए भाई, दादी की उम्र के है मेरे ऑलमोस्ट, वो आए मेरे पास चल के, कहते कि मैं यहाँ पे 1960 से ऑलमोस्ट रह रही हूँ, 1970 मान लो 1969 से, एंड आप पहले हिंदुस्तानी हो जिसने यहाँ पे कदम रखा है।
और जापानियों को भी यहाँ पे आने का परमिशन मिला था 1990 के आसपास। तो कहती मैं आपको हमेशा याद रखूँगी, एंड अभी जो मेरे साथ आप फ़ोटोज़ ले रहे हो वो भेज देना मुझे प्लीज़। कितनी खुशी हुई यार ये सुन के, वाओ। और धूप आज बहुत अच्छी है यार, मेहनत करने से और सपने देखने से सब पूरा हो जाता है, कुछ मुश्किल नहीं है दुनिया में। एंड आप चाहे लड़की हो लड़का हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर कुछ चाहिए उसके लिए मेहनत करो एंड उसको हासिल करो, यही बोलूँगी मैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एंड अब मुझे समझ आ रहा है कि इतना यहाँ पे प्यार क्यों मिल रहा है, हर कोई खातिरदारी कर रहा है। जैसे मुझे देखते हैं कि मैं हिंदुस्तान से आ रखी हूँ, कुछ ना कुछ दे देते हैं मुझे। भाई मैं यहाँ पे वापस आ रखी थी एंड मैं सच में यार रो दूँगी। जब से मैं आई हूँ ना यहाँ पे, आप लोगों में दिखाती हूँ कि मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ खातिरदारी हो रही है, दिए जा रहे हैं लोग। तो ये यार ये मुझे मिले हैं, ये फ्रिज में लगाने वाले, यहाँ पे 3 दे दिए हैं देखिए आप, ठीक है। उसके बाद मेरे को ये मिला 2 कॉफ़ी के पैकेट, जापनीज है ये। उसके बाद अभी मेरे को आंटी ने गिफ्ट दिया है ये चॉकलेट। तो मैं जब से आई हूँ एंड उसके बाद मैं अपने कमरे में आई अचानक से, तो मेरे कपड़े यहाँ पे थे और बिस्तर बना हुआ था। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है लेकिन आप लोगों के सामने ही है। तो यार हम लाइट हाउस की तरफ जा रहे हैं, एक लोकल मेम साहब है, उनका मैसेज आया था कि वो लेके जाएंगे, तो उनसे मिलने की तरफ जा रहे हैं। और उन्होंने कहा था चर्च से राइट कुछ ऐसा है, तो अभी राइट की तरफ चलना है और फिर देखते क्या सीन होगा। ये चर्च है इधर, ये मिलिट्री वाले खड़े हुए हैं शायद और प्रेयर चल रही है इनकी। तो यार हम अभी ऊपर की तरफ आ रखे हैं, थोड़ा क्लिफ की तरफ दूसरे पार्ट में। आई थिंक वी कैन गो ऑन डाउन। Yes, we may put go here and up there. Okay, yeah. तो यहाँ पे आ रखे हैं हम एंड ये नज़ारे हैं इधर, इधर से बहुत सुहाना सनसेट हो रहा है और यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है। एंड ये लाइट हाउस है इनका, ये क्लिफ का बीच है इस तरफ का, ब्लैक स्टोन है इधर। सामने वाली साइड शिकत आना है लेकिन ठंड की वजह से हमें दिख नहीं रहा है। और पीछे का है नज़ारा ऐसे, ये माउंटेन रेंज है बहुत प्यारी, आप लोगों को कैमरा में ही दिख रहा होगा। एंड ये चाचा वोल्केनो है, ये लोग चाचा वोल्केनो बोलते हैं इसको, तो बहुत सुंदर यार एक नंबर। यहाँ हम लोग आए थे चलने के लिए एंड नज़ारे गए थे। मैं इनसे पूछ के आपकी बात कराती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी। अभी पूछती हूँ मैं ये बात करेंगे कि नहीं आप लोगों से। यार मैं, मेरी ज़िंदगी इस टाइम जन्नत है, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं जन्नत में हूँ सच में। तो मैम साहब मुझे यहाँ पे लेके आई हैं, उनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं थोड़ी डिटेल में खुद भी बताऊँगी लेकिन उनसे थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करवाती हूँ आपकी। तो हेलो, माय नेम इज़ ऑक्साना, आई एम एन आर्टिस्ट एंड आई एम अ गाइड एंड आई लिव ऑन द कोनाशर आइलैंड फ्रॉम Oh, from my birthday. Wow, yeah. She was born in Kunashir, but her ancestors are from Siberia. So, yes, my mother was from Siberia. Yeah. Just a little history. And how you feel about living here in like isolated island? I love this island and I love to live here and all my time I want to spend here. Yes, and just last question, for many people it is really isolated, it is hard to reach and it is still banned for many countries. So you feel any different from other people or people who live here, or is it like very okay? Oh, I think all people are different. Yeah, some people don't like to live here and want to go home, but yeah. Many people say that islands are, how can I say it, are tightly. Yeah, are like a world in itself. Yeah, mm-hmm. Yeah. So thank you so much. तो मैं थोड़ा डिटेल में आपको हिंदी में समझाती हूँ इनकी स्टोरी, घर जाके या चलते चलते।
अभी हम ऐसे ही सैर करने आए थे, मैंने किसी से जस्ट ने अभी भाई बोला है मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब आ रही होगी क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो बात ऐसी है कि वो 1968 में यहाँ पे बॉर्न हुए थे कुनाशिर में, एंड उनकी फैमिली साइबेरिया से है जैसे मैंने बताया। एंड जब सोवियत इन्वेजन हुआ था उसके एक दो साल बाद, जो ग्रुप ऑफ फार्मर्स था उनको ऑर्डर पास किया गया कि आप लोग इस कुरिल आइलैंड की तरफ जाएंगे, तो उन्हें बस ला के यहाँ पर रख दिया। एंड उस टाइम कोई सवाल जवाब नहीं होता था, जो गवर्नमेंट आपको बोल रही है आपको वो करना ही था। तो उनकी फैमिली, इनके ग्रैंड मदर यहाँ पे आए थे एंड उन्होंने अपनी लाइफ यहाँ पे शुरू करी। तो दिक्कत क्यों नहीं आई, क्योंकि उन्होंने उठा के रख दिया तो गवर्नमेंट ही जॉब वगैरह सब देगी, पैसे वैसे खाने का, सिर्फ लोकेशन शिफ्ट हुई थी। तो उनकी मम्मा भी शायद यहीं पर बॉर्न हुई हैं एंड फिर ये भी यहीं पर बॉर्न हुई हैं। एंड इन्होंने बोला कि इनके लिए जीने का तरीका भाई यही है कि इन्होंने दूसरी जगह देखी है बट कंफर्टेबल यहीं लगता है, एंड इनकी मम्मा ने तो अपनी पूरी ज़िंदगी यहीं निकाली है। तो इन्होंने बोला कि वी आर नॉर्मल पीपल, हमें कोई इतना डिफरेंस नहीं लगता। एंड मैं भी आपको अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ अगर मैं कोई ऐसी जगह जाती हूँ कि यार ज़िंदगी बहुत नॉर्मल होती है, जो थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिटिकल रीज़न होते हैं, लोगों में कोई फ़र्क नहीं होता, अंतर नहीं होता। तो सबसे पहले तो अब भाई थोड़ी बहुत न्यूज़ में बहस होती रहती है आइलैंड के ऊपर, लेकिन यहाँ पे कुछ इतना बड़ा नहीं है, लोग बहुत नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, आइसोलेटेड है आइलैंड। एंड इन्होंने मुझे बोला, कहती मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही रहे, बाहर के लोग ज़्यादा आके छेड़छाड़ ना करें, यहाँ पे शांत रहे, बहुत शांति है आइलैंड में, बहुत ज़्यादा ठंडा है और लोग नॉर्मल हैं, प्यारे हैं, हेल्पिंग हैं, बहुत काइंड हैं, एंड जैसे आप हो मैं हूँ वैसे ही ये लोग हैं। तो मैं बस यहाँ पे आई क्योंकि मुझे यहाँ की स्टोरी देखनी थी, इसलिए नहीं आई मैं क्योंकि न्यूज़ में इस जगह की बातें होती हैं, मुझे क्या करना और ये कोई टेरर अटैक वाला जगह भी नहीं था, मैं इसलिए आई क्योंकि मुझे यहाँ की स्टोरी के बारे में जानना था, यहाँ पर आके लगता कैसे है। तो इनसे बहुत अच्छा लगा मिलकर, बहुत बातें हुई शुरू से इनके बचपन से लेके अभी तक की, ये बीच में 2-3 साल USA में भी रही थी। तो कहती अब मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मैं सारी ज़िंदगी यहीं रही हूँ और सारी ज़िंदगी यहीं रहना चाहती हूँ। वाह, तो उम्मीद है आप लोगों को ये म्यूज़ियम और इनसे मिलने वाली वीडियो यहाँ पे पसंद आई हो, एंड इन्होंने इंग्लिश में आप लोगों से थोड़ी सी बात करी वो भी आपको अच्छा लगा हो। एंड हम अगली वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से, अभी घर की तरफ जा रहे हैं और बाहर के नज़ारे ऐसे हैं, रात के 10 बजे हैं और अभी भी थोड़ी सी उजाला ही है, और चलते हैं और आप लोगों से बाद में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपका मन करे तो।